नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा भाग हम कर रहे हैं 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। इसे हमें इसका प्रसार करना है सरल समीकरणों का प्रयोग करके। तो क्योंकि यहाँ तीन रकमें हैं और तीनों के ऊपर है स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जो कि है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि a किसके बराबर है। पहली रकम a, यहां पहली रकम है माइनस 2x, तो a बराबर हो गया माइनस 2x। b किसके बराबर होगा, बीच वाली रकम, देखो यहां है b यहां है 5y, तो b बराबर हो गया 5y के। अगर आप ये अलग से पहले लिख लोगे ना तो आपको आसानी रहेगी। c किसके बराबर है, देखो यहां है तीसरी रकम c और यहां तीसरी रकम है माइनस थ्री जेड। अब ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सारे में a b c की ये वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास आ गया a का स्क्वायर, a है माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 5y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी माइनस 3z का होल स्क्वायर। आगे है प्लस 2 इंटू ए है माइनस 2x इंटू बी है 5y। आगे है प्लस, अभी ये लाइन खत्म नहीं हुई, कॉन्टिन्यूड है, प्लस 2bc, 2 इंटू बी है 5y इंटू सी है माइनस 3z प्लस 2ca प्लस 2 इंटू सी किसके बराबर है माइनस 3z के इंटू ए किसके बराबर है, पहली रकम माइनस 2x के। इस प्रकार से अब हमें इसको हल करना है और कुछ भी नहीं, बस इसको हल करना है। देखो ध्यान से, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, 2 का स्क्वायर होगा 4, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर। आगे है माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस, यहां माइनस लिखा है लेकिन यहां प्लस क्यों है, क्योंकि यहां माइनस का स्क्वायर हो रहा है प्लस। 3 का स्क्वायर होगा 9, z का स्क्वायर होता है z स्क्वायर। आगे ध्यान से देखना बच्चों, ये तीन रकमें अलग हैं, ये तीन रकमें अलग हैं और ये तीन रकमें अलग हैं। इन्हीं को देखना है आपने, उनको हल करना है। यहां है प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये माइनस का निशान आ गया। नंबरों को गुना कर दो, 2 × 4, 4 × 5 = 20, एक्स इंटू वाई हो गया एक्स वाई। आगे आ जाओ, यहां पर देखोगे प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, वाई गुना जेड वाई जेड। आगे आ जाओ, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, नंबरों को गुना करो, 2 × 6 = 6 × 12, जेड इंटू एक्स हो गया जेड एक्स, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, कोई भी रकम एक जैसी नहीं है, आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, यही प्रसार है जो हमें करना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ना समझ आए तो इसको रिपीट कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, और अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा हौसला मिलता है और मेहनत करने का। धन्यवाद।